जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र गोखलू पर नर्स ने बस सलूकी का लगाया आरोप। थप्पड़ मार के करी बदतमीजी से बात, नर्सेस कर्मी ने किया अस्पताल पर प्रदर्शन। जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र गोखलू पर नर्स उषा शर्मा ने बस सलूकी का आरोप लगाया है। उषा का कहना है कि 8 जुलाई को डॉक्टर गोखलू ने उनसे रिपोर्ट मांगी और उसके बाद गोखलू ने उषा से बस सलूकी करी। उषा ने अपने बयान में कहा कि डॉक्टर गोखलू सबसे बदतमीजी से बात करते हैं, पर गोखलू की राजनीतिक में अच्छी जानकारी है इसलिए कोई कदम नहीं उठाता। जब उषा शर्मा के साथ ऐसा हुआ तो नर्सेस कर्मियों ने आज नर्सेस एकता दिखाकर जेएलएन के बाहर प्रदर्शन किया। उपस्थित हुई थी एज ए नाइट सुपर के रूप में। तब श्रीमान प्रधानाचार्य जी ग्राउंड पर आए और उन्होंने उसे मरीजों के बारे में जो ब्यौरा मांगा, मैंने उनको उस सब चीज़ से अवगत करा दिया। इतने पता नहीं उनको क्यों गुस्सा आया और उन्होंने मुझको कहा कि अभी एक थप्पड़ मारूंगा तो यहीं पेशाब निकाल दूंगा। किसने बोला ये? श्रीमान आखिर आर के गोखलू ने। ये दिनांक 8/7/18। उसके बाद में कोई वार्ता नहीं? आपकी वापस उनसे कोई बातचीत नहीं अभी तक? मेरी उनसे कोई वार्ता नहीं हुई और उन्होंने कहा तेरा क्या नाम है, तू कब से यहाँ पड़ी हुई है, तेरा ट्रांसफर करवा के जैसलमेर बाड़मेर जैसी जगह तेरे को नौकरी करना सिखा दूंगा। आज आप लोग यहाँ पर आए, आपसे मुलाकात हुई नहीं, किसी से शिकायत वगैरह करी आपने किसी से? ये शिकायत लेके किसके पास में आई हुई आप? हम यहाँ सुब्रेंड साहब के पास आए। तो क्या सुब्रेंड साहब नहीं है अभी यहाँ पर? नहीं अभी तो यहाँ नहीं है। आपका पूरा नाम बताओ, कहाँ पे आप अभी सर्विस, आपकी ड्यूटी किस जगह है, कौन से वार्ड में? मेरा नाम उमा शर्मा है और मेरी ड्यूटी न्यू ओटी में है। मेरे पास एसएच का चार्ज है, प्लास्टिक पीडिया और न्यूरो का चार्ज। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? मेरे को यहाँ पे 30 साल हो। कभी कोई ट्रांसफर कभी हुआ नहीं आपका यहाँ से? नहीं नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको उचित न्याय मिले और ये इतने बड़े पद पर स्थापित हो के इस तरह से महिला कर्मचारी से बात करते हैं, ये कहाँ क्या न्याय है? आगे भी दोगे क्या? अगर हमको न्याय नहीं मिला तो इसके बावजूद जी मुझे स्पष्टीकरण दे दिया गया। स्पष्टीकरण देते हैं तो आप क्या इस चीज़ को किस प्रकार से आप माफ़ीनामा मांगना चाहते हैं इनसे? आप लिखित में माफ़ी मांगे और अंदर से सबके सामने लिखित में माफ़ी मांगे और अंदर से ऐसी कोई गलती नहीं होगी और कोई भी डॉक्टर ऐसी गलती नहीं करे और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, मेरा बाल भी बांका हुआ तो उसका जिम्मेदार प्रिंसिपल खुद होगा। क्या बाकी कभी और भी स्टाफ के साथ में ऐसी बदतमीजी से बात करी क्या उन्होंने कभी? हाँ करते ही रहते हैं और भी कोई तू तड़क से बोलते हैं सबको। कोई एक दो के नाम आ गया आपके पास पहले किसी का? कार्डियोलॉजी में अभी वो सिस्टर थी, क्या नाम था उसका? किरण सिस्टर को भी बोला। उनको क्या बोला? दिनेश मीणा, किरण सिस्टर, अमित व्यास। तो पहले कभी शिकायत नहीं दी आपने इनकी कभी? कोई कभी इनके पास पॉलिटिक्स पावर भी अच्छी है और वेल्थ पावर भी अच्छी है, इसलिए इनके खिलाफ कोई आवाज़ ही नहीं उठा सका। और अब तो इन्होंने बदतमीजी की हद ही कर दी है, तब तो फिर बात उठी है। आज आप सब जने इकट्ठे होकर के आप सुब्रीम साहब से मिलना है जी? ठीक है, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम